मियां बीवी का मिलना नसीब से है और दोनों का बसना बर्दाश्त और कुर्बानी से है। दोनों में अकेला जितनी बड़ी कुर्बानी दे और जितना मर्जी बर्दाश्त कर ले, घर नहीं चल सकता। घर उसी वक्त चलता है जब दोनों अपने हिस्से का बर्दाश्त करें और अपनी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था वो मियां बीवी का रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा इतना प्यारा कि कैसी भी धूप हो या छांव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह पाक ने समुंदर को क्यों दो हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उस पाक ने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत हाजरा को सहरा के मैदान में जमजम क्यों अता किया? क्यों उसने हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा? उसने हजरत जकरिया को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? उन सब में बस एक चीज मुशाबा थी, यकीन, सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पाक रब पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस पाक जात ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो बेशक अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन अच्छा ही पाओगे, और फिर देखो राहें वहां से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। शोहर को ऐसा होना चाहिए कि वो बीवी को दीन की बुनियादी बातें सिखाए या उसका एहतमाम करे, उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, नरमी के साथ गुफ्तगू करे, मुमकिन हो तो घर के काम काज में उसका हाथ बटाए, जैसा खुद खाए वैसा ही अपनी बीवी को खिलाए, उसे बुरे अल्फाज ना कहे और उसके ऐब छुपाए। अपनी बीवी की इज्जत का जितना ख्याल शोहर रख सकता है वैसे कोई और नहीं रख सकता। हमारा दीन मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहता है। अगर आपको अपनी बीवी से कोई मसला हो तो उसे बीवी के साथ बैठकर डिस्कस करें और उसे बताएं, ना कि झूठी हमदर्दी दिखाकर उसका रोना पूरी फैमिली के सामने रोएं। आपकी बीवी आपकी इज्जत है और इज्जत की हिफाजत की जाती है, नुमाइश नहीं। अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, उससे लड़ाई झगड़ा कम करें, उसकी तारीफ करें, तो वो जवान खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती रहेगी। वरना 20 साल की बीवी भी आपके सख्त रवैये से 40 की बन जाएगी। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक बीवी का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट शोहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। शोहर की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। मुहर्रम में ये इस्म पढ़ें। शोहर अगर आपसे बेरुखी से पेश आता हो, आपको वो इज्जत और मर्तबा न देता हो जो आपका हक बनता है, और आप इस वजह से
بہت پریشان اور ٹینشن میں رہتی ہوں تو آپ کی پریشانی ختم سمجھیں۔ محرم میں جتنی ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں اور نماز باقاعدگی سے ادا کریں، اور صبح جب بھی آپ اٹھیں تو اٹھتے ہی 49 مرتبہ یا تواب و پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا شوہر آپ کو بہت عزت اور انشاءاللہ مرتبے سے رکھے گا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے اور آنسو اناہ کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ آغاز ہو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ پاک سے شکوہ کرتا ہے تو بے شک اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے سے انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا طریقہ اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا پر عمل نہ کرنا۔ رشتوں کو ایسی محبت اور خوشی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی اگر پھولوں سے رس نکال بھی لے تب بھی پھول کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔